केजरीवाल ने कहा, लोकसभा में गिर गया ये बिल तो मैसेज होगा कि 2024 में मोदी सरकार नहीं आ रही। जी हां, आपको बता दें कि मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की दिशा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष जुटाने की मुहिम में जुट गए हैं। गुरुवार को वह अपनी पार्टी के टॉप नेताओं के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने महाराष्ट्र पहुंच गए। केजरीवाल की टोली में इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान, आपके सांसद राघव चड्ढा, दिल्ली की मंत्री आतिशी और कुछ और लोग शामिल थे, जिनकी यशवंत राव चव्हाण सेंटर के भीतर बंद कमरे में काफी देर तक पवार से बातचीत हुई। हालांकि अंदर कमरे में इन लोगों के बीच क्या कुछ बात हुई, इस बारे में अधिक डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आए, मगर आम चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस कदर विपक्ष के टॉप नेता रफ्तार से मीटिंग्स और मंथन कर रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि वे चुनाव के पहले मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता बनाने की जुगत में हैं। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने पवार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, एनसीपी ने हमें आश्वासन दिया है कि वह हमारा समर्थन केंद्र के अध्यादेश के सिलसिले में करेंगे। हम सभी गैर बीजेपी दलों की ओर से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे केजरीवाल ने कहा, अगर संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इस बिल को हरा दिया गया तब ये 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल होगा। केजरीवाल दो दिन के मुंबई दौरे पर हैं। आपके टॉप नेता ने इससे एक रोज पहले बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बांद्रा में उनके घर पर भेंट की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर भाजपा शासित केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपकी लड़ाई के लिए उनका समर्थन मांगा था। केजरीवाल मान ने इससे पहले दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए देशव्यापी दौरे के तहत कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। दरअसल केंद्र ने पिछले शुक्रवार को दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर, स्थानांतरण और तैनाती के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। आप सरकार ने इस कदम को सेवाओं के नियंत्रण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ धोखा बताया था। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।